ये बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां भिंड का दंधरुआ धाम एक बार फिर विवादों में आ गया है। सड़क बनाने वाली मशीनों से खाना बनाया जा रहा है, लोहे के मशीनों से तैयार किया जा रहा है भोजन, जेसीबी मशीन से सब्जियां बनाई जा रही हैं, सीमेंट मिलाने वाली मशीन जो होती है उससे प्रसाद तैयार किया जा रहा है। लाखों भक्त के लिए भोजन प्रसाद इसी तरह बनाया जा रहा है। दंधरुआ धाम में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान ये मामला सामने आया है। कथा के पहले दिन भगदड़ मची थी, एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी, कई लोग घायल बताए गए थे। और अब एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, भिंड का दंधरुआ धाम एक बार फिर विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सड़क बनाने वाली मशीनों से खाना बनाया जा रहा है, लोहे की मशीनों से जो भोजन है वो तैयार किया जा रहा है। और ये भी आपको जानकारी दे दें, जो सब्जी बनती है उस धाम में वो जेसीबी मशीन से बनाई जाती है, यहाँ तक कि सीमेंट मिलाने वाली मशीन से जो है वो प्रसाद तैयार किया जाता है, जहाँ लाखों लोग यही प्रसाद ग्रहण करते हैं। लाखों भक्तों के लिए भोजन प्रसाद यहाँ पर बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है सीमेंट मिलाने वाली मशीन से। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़े विवादों में दंधरुआ धाम एक बार फिर फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो दंधरुआ धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान भगदड़ मच गई थी, जहां पर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। इसके साथ ही इस भगदड़ में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए थे, और जो भक्त उस वक्त मौजूद थे उनका यही कहना था किसी तरह की प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं की गई थी, काफी भीड़ थी, भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी प्रशासन, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते महिला की मौत हो गई थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर के भिंड का दंधरुआ धाम की, देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर भोजन तैयार किया जा रहा है, इन्हीं मशीनों से प्रसाद भी तैयार किया जाता है। और ये प्रसाद और भोजन लाखों भक्त जो यहाँ पर कथा सुनने पहुंचते हैं वो ग्रहण करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। दंधरुआ धाम में चल रही धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान ये प्रसाद तैयार किया जाता है, लाखों भक्त जो वहां पहुंचते हैं उनके लिए भोजन भी तैयार होता है। और देखिए भोजन किस तरह से तैयार होता है, ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। लोहे के मशीनों से भोजन तैयार किया जा रहा है, सड़क बनाने वाली मशीनें हैं उससे खाना बनाते हैं, जेसीबी मशीन से सब्जियां बनाई जा रही है, सीमेंट वाली मिलाने वाली मशीनों से प्रसाद तैयार किया जा रहा है। और यही प्रसाद जो भक्त है अंधविश्वास में, वही प्रसाद लाखों भक्त ग्रहण कर रहे हैं। और जीती जाती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से खुलेआम सरेआम भोजन तैयार किया जा रहा है, प्रसाद तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, एक बड़े विवाद में एक बार फिर ये धाम फंसता हुआ नजर आ रहा है। लाखों लोग पहुंचते हैं धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए,